नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उतरा पूरा कुनबा। पत्नी और छोटा भाई प्रचार मैदान में बहा रहे पसीना। चुनाव प्रचार के दौरान लोकसभा क्षेत्र बड़ा होने के कारण सभी प्रत्याशी पूरे क्षेत्र में नहीं पहुंच पाते हैं। इस स्थिति में उनके परिजन भी पूर्व से निर्धारित दौरे के अनुसार दूसरे क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। सिंधिया परिवार की तरफ से उनकी पत्नी और पुत्र ने कमान संभाली है, तो राव परिवार की तरफ से भी माँ और मंझले पुत्र को छोड़कर पूरा कुनबा मैदान में उतर चुका है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धताएं और पार्टी ही सब कुछ होती है। राजे सिंधिया और राजस्थान की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे सिंधिया भाजपा में होने के चलते हमेशा अपने भतीजे के चुनाव प्रचार से दूरियां बनाकर रखी। कुछ ऐसी ही स्थितियां इस बार गुना लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह यादव के साथ देखने को मिल रही है। आज से करीब 6 माह पहले हुए विधानसभा चुनावों के दौरान जहाँ पूरा परिवार मुंगावली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे यादवेंद्र सिंह यादव के पक्ष में प्रचार उतरा था, तो वहीं इस बार उनको अपनी मां पूर्व जिपम अध्यक्ष भाई साहब यादव और मंझले भाई जिपम अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह यादव के बगैर जनता के बीच पहुंचना पड़ रहा है। दरअसल जनवरी माह में हुए जिपम अध्यक्ष पद के चुनाव से ठीक पहले भाई साहब यादव और अजय प्रताप सिंह ने एक बार फिर से प्रदेश नेतृत्व के समक्ष भाजपा का दामन थाम लिया था। शायद परिवार को भी यह अंदाजा नहीं था कि माह बाद बदले राजनीतिक समीकरणों को उनको अपने ही पुत्र के प्रचार से दूरियां बनानी होंगी। भाजपा को जिताने की अपील। हाल ही में कुछ दिन पहले ईसागढ़ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की यादव समाज के सम्मेलन में जिपम अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह यादव ने न केवल सिंधिया के मंच पर मंचासीन रहे बल्कि पार्टी की मर्यादाओं में बंधे अजय प्रताप सिंह ने मंच से भाजपा को जिताने की अपील भी की। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।